एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में समाकलन भाग 13 में पहला क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे। अब त्रिकोणमिति के रूप में ज़्यादातर प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इन दोनों में हम किसी को भी मान सकते हैं टी, मगर ध्यान रहता है इसमें एक चीज़ का कि जिस पर ज़्यादा घात लगी हो, जैसे इस पर हमने 2 घात लगाया है, तो कॉस एक्स को ही टी मानना ज़्यादा बेहतर है। यानी इन साइन एक्स और कॉस एक्स में किसको टी माने, जिसमें घात ज़्यादा हो उसी को टी मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कॉस एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। अब इसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसको हमने टी माना तो हो गया टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस में डी टी है, यानी माइनस में डी टी है, माइनस यहाँ लगा दिया हमने। अब इसका देखिए कितना आसान प्रश्न बन गया, ये माइनस बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, बस माइनस 1/3। टी का मान है कॉस एक्स, कॉस पे लगा देंगे 3 घात इंटू एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमको लॉग एक्स बराबर मानना है टी, लॉग एक्स मानना है टी, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x डी एक्स बराबर आएगा डी टी। तो हम लोग लिखेंगे 1/x डी एक्स को लिख देंगे डी टी, और हो जाएगा इस तरीके से 1/ कॉस स्क्वायर, इसको माना मैंने टी, कॉस स्क्वायर टी, और डी एक्स बाई एक्स को लिखना है टी टी। तो ये हो जाएगा 1/ कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी का सूत्र होता है टेन टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू अगर हम लोग वापस रखें तो हो जाएगा टेन टी का मान है लॉग एक्स प्लस सी, और ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है, सब बिल्कुल आसान है, इसे आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ब्रैकेट में 4 + 5 ई पे पावर एक्स होल पावर एन डी एक्स। इसमें भी हमें टी मानकर ही लगाना है, इसमें 4 + 5 ई पे पावर एक्स बराबर मानना है टी। तो इसका जब हम लोग करेंगे, इतना बराबर मानना है टी, इसका जब करेंगे अवकलन तो ये 0 हो जाएगा, और 5 × ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। और ई पे पावर एक्स डी एक्स का मान अगर निकालें तो डी टी बाई 5 हो जाएगा। तो इस मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह इसकी जगह पर हमने टी रखा है, तो टी पे घात हो जाएगा एन, और ई पे पावर एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी बाई 5, डी टी बाई हो जाएगा 5। तो 1/5 टी पे पावर एन का फार्मूला हो जाएगा टी पे पावर एन प्लस 1/n + 1 + c। तो 1/5 टी का मान हम लोगों ने क्या रखा है, टी का मान है ब्रैकेट में 4 + 5 ई पे पावर एक्स, इसके ऊपर एन प्लस 1 घात, और बटे एन प्लस 1 + c, ये हो गया इसका आंसर। बस मानने की कला है इसमें, अगर आपको किसको क्या मानना है ये जानकारी अच्छे से हो गई तो आप इन तरीके के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेन इनवर्स एक्स बाई 1 + x² होल पावर 3/2। तो इसे थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न दूसरी वैरायटी का है मगर आ गया है आसान आसान प्रश्नों के बीच में, तो चलिए इसे भी हम बता देते हैं। टेन इनवर्स एक्स बटा
इसे हम दो टुकड़ों में कर सकते हैं। पहला टुकड़ा होगा 1 प्लस x स्क्वायर पर 1/2, दूसरा टुकड़ा होगा 1 प्लस x स्क्वायर पर 1/2। आप थोड़ा यहाँ से समझ लीजिए इसको, 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ है। 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप टेन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए टी, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt, यानी इतना dx बराबर dt लिखना है, इसकी जगह पर लिखना है t। और अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर टी है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा टेन टी, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर टी है तो एक्स बराबर होगा टेन टी। चलिए हम लोग इसको अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर रखना है क्या, टी रखना है, बटे में 1 प्लस x की जगह पर क्या रखना है, टेन टी स्क्वायर है तो जगह टेन स्क्वायर टी, और इस पर 1/2 है। और ध्यान से एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने रखा टी और यहाँ पर 1 प्लस इसका मान है टेन टी, देख सकते हैं यहाँ पर, तो टेन स्क्वायर टी यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर टी पे घात 1/2, और डी एक्स बाई इतना का मान डी टी, डी एक्स बाई इतने का मान डी टी लिख देना है। तो ये हो गया इस तरीके से, टी बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर टी हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, वो भी किस में, 1/2 में। 1/2 का मतलब होता है करड़ी, चलिए इसे करड़ी में लिख देते हैं, अभी आप समझ जाएंगे कि सेक स्क्वायर टी करड़ी में आ गया और डी टी, और जब इस पर सेक स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर की वजह से करड़ी से बाहर आ जाएगा, टी बाई सेक टी डी टी, और टी बाई सेक टी को लिख सकते हैं हम लोग टी कास टी डी टी। और यहाँ पर दो फलन के गुणनफल का समाकलन हो गया, इसका सूत्र हमने आपको अभी तक बताया नहीं है। तो इसका सूत्र है, मान लीजिए f1x इंटू f2x का समाकलन करना है तो इसका फार्मूला होता है, प्रथम फलन ऐसे रहेगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े कोष्ठक में पहले फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x डी एक्स बड़ा कोष्ठक बंद डी एक्स। ये है फार्मूला, दो फलन के गुणनफल का समाकलन कैसे होता है ये इस फार्मूले से होता है। अगर इस तरीके से दो फलन का गुणनफल f1x / f2x, तो उसका समाकलन हम इस फार्मूले से करते हैं। तो आज इसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा, पहली बार हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जरा इसको सही तरीके से देख लें। तो ये पहला फलन हो गया और दूसरा फलन हो गया, तो इसे हम यहाँ से हल करते हैं। फर्स्ट फलन वैसे लिख लेंगे, अब कास्टी का लिख देना है समाकलन, कास्टी का समाकलन हो जाएगा साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े कोष्ठक के अंदर पहले फलन का, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ क्या अवकलन दिया हुआ, यानी टी का अवकलन हो जाएगा 1 इंटू दूसरे फलन का समाकलन यानी कास्टी का समाकलन साइन टी कोष्ठक बंद इंटू डी टी लिख देंगे यहाँ पे, टी साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, तो टी साइन
टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास टी, क्या हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस कास टी और प्लस सी। अब हम टी का वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर देख सकते हैं टी का मान है टेन इनवर्स एक्स, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर टेन इनवर्स एक्स रख देंगे हो जाएगा। यहाँ पर भी आ गया टेन इनवर्स एक्स इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कास टेन इनवर्स एक्स। एक उत्तर इस तरीके से हो सकता है और दूसरा उत्तर ऐसे भी हो सकता है, इस लाइन को अगर हम यहाँ लाएं टी साइन टी प्लस कास टी प्लस सी को अगर हम लोग कन्वर्ट करें टी, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन टी को लिख सकते हैं साइन टी बाई वन प्लस कास टी को लिख सकते हैं कास टी बाई वन और प्लस सी। ध्यान से देखें टी इंटू साइन टी और वन यानी अंश और हर के, अंश और हर में अगर हम कास टी से भाग दें तो हो जाएगा टेन टी बटे वन अपॉन कास टी हो जाएगा सेक टी, प्लस कास टी में कास टी से भाग देंगे वन होगा और वन में कास से भाग देंगे तो हो जाएगा सेक टी प्लस सी, और टी इंटू टेन टी ऐसे रहने दें, सेक टी बराबर हो जाएगा कर्ली के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर टी, अब प्लस एक बटे सेक टी को लिख सकते हैं कर्ली के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर टी प्लस सी। इसको आप दोबारा समझ लीजिए, टी को हमने टी रहने दिया, साइन टी को साइन टी बाई वन लिख दिया, कास टी को कास टी बाई वन लिख दिया, साइन टी और वन में, साइन टी में भी मैंने कास टी से भाग दिया और वन में भी कास टी से भाग दिया, यानी कास टी अंश में भी बटे आ गया और हर के भी बटे में कास टी, यानी साइन टी बाई कास टी टेन टी और वन बाई कास टी हो जाएगा सेक टी, कास टी बाई कास टी करेंगे तो वन और वन बाई कास टी करेंगे तो सेक टी। ध्यान से समझिए एक बार और समझ लें कि अंश में भी बटे कास टी हुआ है और हर में भी बटे कास टी हुआ है, तो इसके बटे जब कास टी होगा तो टेन टी और एक के बटे कास टी होगा तो सेक टी, इसी तरह इसके बटे जब कास्ट होगा तो काट के एक आ जाएगा और एक के बटे कास्ट होगा तो सेक टी, सेक टी का मान होता है कर्ड़ी में वन प्लस टेन स्क्वायर टी, वही चीज़ यहाँ भी है कर्ड़ी में वन प्लस टेन स्क्वायर टी। अब हम लोग मान रखेंगे टी इंटू टेन टी का मान, आप देख सकते हैं टेन टी का मान है एक्स, आप हम दिखा दें टेन टी का मान है एक्स, तो जहाँ जहाँ टेन टी है वहाँ पर वहाँ एक्स रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे कर्ड़ी के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कर्ड़ी के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और टी का मान अब हम लोग रिटर्न कर देंगे, टी का मान था टेन इनवर्स एक्स। आप वीडियो शुरुआत में करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ स्वयं दिखा देता हूँ, टी का मान टेन इनवर्स एक्स है। तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई कर्ड़ी में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कर्ड़ी में वन प्लस एक्स स्क्वायर, हर इसका बराबर है, हम लोग चाहें तो एक ही में जोड़ लेंगे, कर्ड़ी के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, ये हो गया इसका आंसर। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, इसमें कुछ 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 क्या बहुत कुछ नई चीज़ें थी इसमें।
इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।